आम आदमी पार्टी के ऊपर आपने सवाल खड़े किए हैं, पहले अशांत त्रिवेदी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद गुरदीप जी, फिर सुधांशु जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता है इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, लेकिन उनको बता दें कि भैया एफआईआर में मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं है। आप लोगों ने तो मीडिया ट्रायल चला दिया, वीडियो प्रोपेगेंडा पार्टी बना दी पूरी अपनी पार्टी को। और दूसरी जो बात कर रहे हैं, शाहीनबाग वाले आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, वो भी उनको भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार की घटिया राजनीति उन्होंने की, वहां पे एमसीडी में भी ये असर दिखेगा और साथ में गुजरात में भी दिखेगा। भैया मोदी जी ठीक है, अच्छे हैं, प्रधानमंत्री हैं, हम उनको नमन करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन यार एमसीडी के कूड़े नरेंद्र मोदी जी हटाएंगे क्या? वो तो उनके उनके भक्तों को करना पड़ेगा ना। और मैं दूसरा बोलूं, यहाँ पे जो मोरबी में 135 लोग से ज्यादा मर गए, उनके घर में नरेंद्र मोदी जी काम करेंगे, उनके भक्तों को करना पड़ेगा ना। तो ये नहीं हो रहा है। कंस की औलाद कौन है, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था कि मैं तो कृष्ण का वंशज हूँ, वो कंस की औलाद है, उनका खात्मा करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। जो भी भ्रष्टाचारी है वो सभी कंस की औलाद है, मेरा अरविंद केजरीवाल हनुमान जयंती को भी पैदा लेते हैं और रामनवमी को भी पैदा लेते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी पैदा ले लेते हैं। ये अकेले व्यक्तित्व है जो जन्माष्टमी के दिन भी पैदा लेते हैं, रामनवमी के दिन भी पैदा ले लेते हैं और हनुमान जी के जयंती के दिन भी पैदा ले लेते हैं। ऐसा है क्या अर्शांत त्रिवेदी जी? इरशान जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास में चलते हुए इरशान की बात में फौरन लौट रही हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए बदजुबानी जारी है, लेकिन अगर उसमें बीजेपी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तो ये सवाल। जी इरशान, मैं आ रही हूँ, बोलिए 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 बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए इरशान। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, गुरदीप जी माफ कीजिएगा, इरशान की आवाज नहीं आ रही है, मैं अभी गोधरा में बैठी हुई हूँ, मेरे पास स्क्रीन नहीं है। गुरदीप जी अपनी बात कह लीजिए, सुधांशु जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ उसके बाद। जी जी, थैंक यू चित्रा जी। पहले तो रागी जी की बात में मुझे बड़ा मजा आ रहा था, वो जिसको व्यंजना बता रहे थे दाढ़ी के इशू को, मुझे पूरे विश्वास है कि जब कुछ लोगों ने, जिसका मैं शामिल नहीं हूँ, मोदी जी की दाढ़ी को आसाराम जी की दाढ़ी के साथ मिला के भेजा था, वो इन्होंने उसको भी एंजॉय किया होगा। खैर वो बात अलग है, आप बार बार मुद्दों की बात कर रहे हैं और हम भी मुद्दों की बात करना चाहते हैं। मुद्दे की बात क्या है, मोदी जी ने जाके बोला कि गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग स्टेट उन्होंने बनाया। अब चित्रा जी, हम गए गुजरात की वेबसाइट पे, जो अभी वेबसाइट है, उसके अंदर जो उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के जीआईडीसी के जो बेस बता रखे, इंडस्ट्रियल वडोदरा है, अंकलेश्वर है, वापी है, वातवा है, दहेज है, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया था। जो वहां की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, रिलायंस की है, एसआर की है, वो कांग्रेस ने शुरू की थी। वहां के बड़े बड़े पीएसयूज हैं, जीएसएफसी, जीएनएफसी, आईपीसीएल, सब कांग्रेस ने बनाए थे। वहां पे जितने भी इंडस्ट्रियल जोन है, हाजिरा का जैसे इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पे ओएनजीसी है, आरआईएल है, एसआर स्टील है, एलएनटी है, कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। सड़कें कांग्रेस के टाइम पे बनी थी। और अब डैम की बात कर रहे थे, 70% बीजेपी का ये कहना होता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है वो ऐसे इंटैक्ट हो जाती है कि वहाँ की जनता उसको छोड़ती नहीं। आप उठाकर गुजरात देख लीजिए, आप उठाकर उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, तमाम राज्य ऐसे। लेकिन जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है, एक बार अगर वो चली जाती है तो दोबारा आती ही नहीं है। हाँ, अब एक मिनट, इसलिए पहले आती थी वापस, अब इसलिए नहीं आती कि जब भी मैं मुद्दों की बात करता हूं आप काट के दाढ़ी पे चले जाते हैं, आप दूसरे इशू पे चले जाते हैं, मुद्दों की बात करने दीजिए, चले जाएंगे बाहर। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं, गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि जीएसटी की वजह से, क्योंकि जो उनकी नीतियां हैं, इकोनॉमिक नीतियां, उसकी वजह से, नोटबंदी की वजह से गुजरात की इंडस्ट्री सफर कर रही है। ये मुद्दा है, इसकी बात कीजिए, गुजरात में बीजेपी हार जाएगी, आप ये बात कर दी रहे हैं, ये मेरी शिकायत है ना। हम इस मुद्दे पे बात करते हैं, सुधांशु जी इस पर देखिए और बीजेपी को मना किया है। लेकिन अगर मुद्दों में ये रहेगा, रावण चित्रा जी का सरदार औकात दिखा देंगे, हिटलर की मौत मरेगा,
कुत्ते की मौत मरेगा, जान से मार सकता हूं, राक्षस है, क्रूर पीएम, बंदर से चित्रा जी 10 सेकंड और अपने चित्रा जी 10 सेकंड झूठ कैसे बोल दिया कि गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग स्टेट उन्होंने, चित्रा जी 10 सेकंड वो ये जांच तो कीजिए ना चित्रा जी, बताइए गुजरात को चित्रा जी कैसे कांग्रेस ने मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाया था उसको और इन्होंने उसको रोका है, बताइए चित्रा जी, आप वापस वहीं जा रही है जहां आप खुद के लिए नहीं जाना चाहिए। चित्रा जी 2 दशक में भी कांग्रेस पार्टी गुजरात के लोगों को नहीं समझा पाई। मैं आपको बता दूं, मैं तो बस आपके पढ़ रही थी कि बदजुबानी के कितने ऐसे बयान हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, मैं बस आपको याद दिला रही थी, भूल और कहीं नहीं जाना है मुझे, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और जनता का कसन भी ऐसे है। लेकिन 27 सालों से अगर एक पार्टी लगातार जीत रही है तो कौन सा मुद्दा लेकर जाती है जिसके बाद वो वोट पा जाती है, इसके बारे में तो सबको सोचना होगा।